बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ मटन की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी जिसे कहते हैं मटन भुना गोश्त। ये बनाने में बहुत ही आसान है लेकिन इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा टेस्ट होता है। इसमें हमने ली है 4 से 5 इलायची, 4 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 जावित्री का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान, 1/2 टीस्पून काला जीरा और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। सबसे पहले लेंगे हम एक पैन, उसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जी देखिए, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें खड़े गर्म मसाले डाल रहे हैं। मसालों को अच्छी तरह से पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 कटी हुई प्याज, 1/2 प्याज को हमें लाल नहीं करना है, जब तक इसका रंग चेंज होता है तब तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से भून चुकी है। अब इसमें हमें डालना है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। आधा किलो मटन, मटन को हमें 2 मिनट तक अच्छे से भूनना है। देखिए हमारा मटन अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 2 बड़े टमाटर कटे हुए, 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून भर के हमें डालना है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसको अच्छे से भूनना है। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद अब हमें इसमें डालना है 1 कप फेटा हुआ दही। फिर हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसका तेल ऊपर नहीं आ जाता। देखिए गोश्त का मसाला अच्छे से भून गया है। अब इसमें हमें थोड़ा और पानी डालकर इसे बॉईल करना है जब तक कि गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। हम इसमें डालेंगे 1 कप पानी।
को गलाने के लिए 2 ग्लास पानी, ये मैं पॉट में गला रही हूँ खुले बर्तन में, तो मैं 2 ग्लास डालूंगी। अगर आप प्रेशर कुकर में गला रहे हो तो 1 ग्लास काफी है। अभी हमें इसे ढककर पकाना है कम से कम आधे घंटे तक। अगर आप प्रेशर कुकर में पका रहे हो तो 15 से 20 मिनट में गोश्त गल जाएगा। हमें गोश्त को पकाते हुए आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखिए गोश्त अच्छे से गल गया है हमारा, बोटी अच्छे से पक गई है। अब हमें इसमें जितना भी ये पानी है इसे अच्छे से जलाना है, इसे खुश करना है। मुझे इसको पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, अब इसका पूरा पानी खुश्क हो गया है, ये पूरी तरह से ड्राई हो गया है। देखिए इसका ऑयल भी ऊपर आने लगा है। अब इसमें हम कुछ मसाला ऐड करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, जिसको मैंने हाथ से क्रश करके डाल दिया है। अब हमें इसमें गार्निशिंग के लिए डालना है 3 हरी मिर्च और पुदीने के पत्ते। आप चाहे तो इस स्टेज पर थोड़ा सा हल्का गरम मसाला भी डाल सकते हैं। हमारा भुना हुआ गोश्त बनके तैयार है। आप इसे रोटी या नान के साथ खा सकते हैं। इसे एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनता है।